राफेल की लड़ाई दिन ब दिन तल्ख होती जा रही है। एक बार फिर केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस अध्यक्ष पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने क्या कुछ कहा सुनिए। रवि जी, राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं कि राफेल डील में दलाली खाई गई, करप्शन हुआ है और प्रधानमंत्री को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी कभी नरेंद्र मोदी ऐसे नेता को घेर पाएंगे जो ईमानदारी का प्रामाणिक दीपक है, जिसको पूरी दुनिया विश्वास करती है, जिसको आज देश में दिल्ली में दलालों के दरवाजे बंद हैं तो राहुल गांधी परेशान हैं। लेकिन अशोक जी, आजाद भारत में आज तक किसी भी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री कैसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया, और राहुल गांधी ऐसे बेशरम गैर जिम्मेवार व्यक्ति से आप कुछ अपेक्षा कर भी नहीं सकते हैं। मैं आज तक के दर्शकों के लिए 3 सवाल फेंकता हूं। पहला, अगर जनवरी 2012 में हमारी सरकार के आने के पहले दसौल को L1 सबसे कम का ठेका मानने के बाद स्वीकार किया गया, तो 5-6 महीने बाद उसको री एग्जामिन के लिए क्यों कहा गया? क्योंकि राहुल गांधी के परिवार को कमीशन नहीं मिला था, और बिना कमीशन के ये परिवार कोई काम नहीं करता, चाहे बोफोर्स हो, चाहे 2G हो, चाहे कोयला हो, चाहे आपके अगस्ता वेस्टलैंड हो या सबमरीन हो, ये सभी जानते हैं। तो मेरा खाली कहना यह है कि उसके बाद जो और बातें सामने आई हैं, जो पार्टी की ओर से कहा गया, ये भंडारी महाशय कौन है, दामाद श्री से उनका रिश्ता क्या है, ये सारी बातें हम देश के सामने लाएंगे। इसलिए लाएंगे कि ऑफसेट के लिए भंडारी महाशय भी क्लेमेंट थे यूपीए सरकार में, नहीं मिला। राहुल गांधी, आपके परिवार में और आपकी पार्टी में रग रग भ्रष्टाचार है, और देश के सामने हम जाएंगे, आपको एक्सपोज करेंगे। लेकिन मुझे पीड़ा एक बात की बहुत है कि राहुल गांधी अब पाकिस्तान के हाथ में खेल रहे हैं। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।